आपको बता रहे था कि गुजरात के विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में एमआईएम पार्टी तो पूरी मेहनत कोशिश कर रही है सागर भाई की लीडरशिप में, और आज मैं भी आया हूं गोमतीपुर में, हमारा एक जनसभा है, पब्लिक मीटिंग है, और इसके साथ साथ 18 तारीख के दिन पडवाम में और एक पब्लिक मीटिंग होगी जिसमें हमारे महाराष्ट्र के एमएलए और पार्टी लीडर जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब रहेंगे, मैं भी आऊंगा उसमें। पूरी कोशिश यही है कि आने वाले विधानसभा के लिए एमआईएम पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करे, यहां से हमारे विधायक जीत कर आए, तो इसी सिलसिले में यहां पर आ रहे हैं और आते रहेंगे। और ये चंद अहम बातें आपको बताना था, अगर आपके पास कुछ सवाल आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अहमदाबाद की 16 सीटों में से आप कितनी सीटों को चुनाव लड़ने? तो इसका जवाब अभी चुनाव के करीब, न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे गुजरात में हम कितनी सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे, इसका फैसला और जवाब चुनाव से पहले जनाब साबिर भाई साहब आपको बताएंगे। नहीं, सुनिए, ऐसा है ना कि गुजरात के प्रेसिडेंट साबिर भाई साहब हैं, हमारी पूरी गुजरात की यहां पर टीम है, वो सब राय मशवरा करके ही फैसला करेंगे, मैं तो सुपर इम्पोज नहीं कर सकता अपने आप को, तो उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और जरूर आपको बताएंगे। कौन कौन से पूरे गुजरात में लड़ना है इलेक्शन, तो कहाँ कहाँ लड़ेंगे, किस एरिया में लड़ेंगे, सौराष्ट्र में कहाँ लड़ेंगे, कच्छ में लड़ेंगे, कहाँ कहाँ, जो भी होगा हम लड़ेंगे जरूर, मगर कितने लड़ेंगे वो चुनाव से पहले सागर भाई साहब पार्टी बताएगी आप गुजरात में। अहम तो बहुत से इश्यूज हैं गुजरात में, जैसा आप तमाम जानते हैं महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, हेल्थ का इशू है, साथ ही साथ फिर माइनॉरिटीज का और दलितों का एक पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है, तो ये बहुत बड़े मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में। रणनीति तो रहेगी, मगर क्या रहेगी, कैसे रहेगी, वो रणनीति के टाइम पर ही बताएंगे आप जब आएगा, उसको जल्दी रहेगा बहुत बहुत ज्यादा। वैसे साहब, पिछले दिनों मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का एक इंटरव्यू था पुराना, जिसे काफी वायरल कराया गया, और उसमें कुछ बात की गई कि वैसे साहब को समझना चाहिए, अभी उम्मीदवार नहीं खड़े करने चाहिए, इसी कुछ बातें उसमें कही गई थी। मेरे से सवाल है क्या, मेरे सवाल कर रहे हैं आप? नहीं, वो तो उनका ओपिनियन होगा, मुझे क्या, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदार हूं, तो मेरा काम तो इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन हम लड़ेंगे। जहां तक रहा सवाल मौलाना का, तो मौलाना अपनी राय रखते होंगे, मगर हमारी राय, हम एक सियासी पार्टी के जिम्मेदार हैं, सियासी पार्टी का काम सिर्फ बयान देके बैठना नहीं है, सियासी पार्टी का काम चुनाव लड़ना है, तो हम चुनाव लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। सर, आज कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया है, जिस तरह से आप कहा ये कांग्रेस 12 बजे तक बंद, कांग्रेस आज बंद कर दिया। अच्छा, उसका तो साबर भाई बोल सकते, बराबर 12 बजे तक बंद का ऐलान है, वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बैठक है, 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा और शाम को 7 बजे बंद रहता है। सेना चुनाव जब आता तो ये पार्टियां वादा बहुत करती हैं, और जब चुनाव हो जाता है तो वो वादों का की वफा नहीं होती है, तो यही तो आवाम से
वादा देकर उनको कुछ बोलकर कुछ और उल्टा काम किया जाता है। तो हमारा काम यह है कि हम बजाय इस तरह के बड़े बड़े वादे करने के, जो प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं वो काम हमको करना है। और जनता भी, आवाम भी इस बात को जानती है कि सब चुनाव के हम बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं आसमान से तारे तोड़कर लाकर दूंगा, और उसके बाद ना तो तारे हाथ में आते ना वो नजर आते। तो ये इस तरह की राजनीति चलती है, मगर आवाम अब देख रही है, महसूस कर रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे एक साल में, अब जाकर वो उन्होंने कह दिया कि 2024 तक हम 10 लाख नौकरी देंगे, यानी हर साल 5 लाख देंगे। फिर जिसको आप रेवड़ी कहते हैं वो तो सब लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, कॉरपोरेट टैक्स माफ हो जाता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, बैंक में उनका लोन जो है वो वेव हो जाता है। तो असल प्रॉब्लम ये है, रहा सवाल कांग्रेस का। अब कांग्रेस के बारे में क्या कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में ही खुद एक बहुत बड़ा इख्तलाफात और बड़े बड़े उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, ये सब ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और बिल्किस बानो का, जिन्होंने उसका रेप किया, उनकी मां की और दूसरे लोगों की हत्या की, आम आदमी पार्टी उस पर कुछ बोलती नहीं है। तो ये सब इस तरह की चीजें होती हैं चुनाव से पहले, मगर इनको समझना चाहिए कि जनता बहुत होशियार हो चुकी है, समझ चुकी है इन बातों को, और वो अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करने वाली है। जितना ये वादे करते जा रहे हैं, लोग इतना ज्यादा इनको देख रहे हैं कि भाई ये लोग फिर से वही पुरानी आदत पे आ चुके हैं। ठीक है, अब आप भी देखेंगे चुनाव में गुजरात के जनता अपना फैसला अच्छा तरीके से सुनाएगी। नहीं, हम तो इस सिलसिले में साबर भाई साहब बाज लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जब वो बातचीत हो जाएगी तो फिर बताएंगे आपको किसके साथ होगा, अलायंस को भी होगा। वैसे तब क्या देश कभी मंदिर मस्जिद की राजनीति से आगे भी निकलेगा या नहीं, देश की राजनीति, क्योंकि अहमदाबाद से करीब किराना की दरगाह थी, वहां पर भी मंदिर बना दिया गया। कल ही गांधीनगर के करीब एक खबर आई, वहां पर भी एक मजार था, उस पर भी जो भगवा झंडा लहरा दिया गया, इस तरह की खबरें आ रही है। तो पूरे देश में मंदिर मस्जिद की राजनीति ही चल रही है ऐसा लग रहा है। तो ये सबको सूट करता है, कांग्रेस को भी भाजपा को भी, इसी तरह चलता रहे। और कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में चलने वाले कौन है। कंपटीशन ये नहीं हो रहा है कि जो मुल्क में, देश में जो बर्निंग मसाइल हैं उस पर कोई बातचीत करे, चाहे वो महंगाई हो, रोजगार का मसला हो, शिक्षा का मसला हो, हेल्थ के इश्यूज हो। तो ये ऐसा है कि बस एक एजेंडा सेट होता है और फिर उसमें ये लोग सब अपना मरोजा करते हैं, और माशाल्लाह से आप लोग भी उसमें अपना मरोजा करते हैं। और कुछ सर, 2024 के चुनाव को लेके क्या बना रहे हैं? नीतीश कुमार अपना ग्रुप बना रहे हैं, हाँ, शरद पवार अलग लगे हुए हैं, आप क्या किसके साथ जाएंगे? देखिए, 2024 के लिए नीतीश कुमार का आप नाम लेते हैं, मगर जब गुजरात में जो प्रोग्राम हुआ था 2002 में, उस वक्त नीतीश भाजपा के साथ थे, फिर वो बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाए। 2015 में छोड़ दिए, 2017 में फिर भाजपा के साथ आ गए,
अब छोड़ दिए हैं, फिर किसी के और के साथ चले गए हैं। तो ये नीतीश कुमार साहब जॉर्ज साहब से शुरू किए थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब से, ये हो रहा है। और कल बिहार में किसी एक जगह पर दंगा हुआ, गड़बड़ हुई, तो एक 8 साल के मुस्लिम बच्चे को अरेस्ट कर लिए और एक बीमार जो ऑपरेशन हुआ घर में पड़ा हुआ है उसको भी उठाकर लेकर चले गए। तो 24 से पहले जो जो लोग कोशिश कर रहे हैं कोशिश करिए, मगर मेरा मानना यह है कि अगर आप चेहरों से मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का तो फिर भाजपा को फायदा हो सकता है। तो बजाय उसके जो जितने भी लोकसभा की सीटें हैं उस पर हम सबको बीजेपी से मुकाबला करने की जरूरत है। जो बीजेपी आज देश के प्रधानमंत्री, अगर उनसे आप रोजगार के बारे में पूछेंगे, महंगाई के बारे में पूछेंगे कि क्यों चीन अभी भी डेपसांग और डेपचांग में अपनी फौज को लेकर भारत की जमीन पर बैठा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जवाब देते हैं कि नेहरू मुगल। ज्यादा आप पूछते हैं कि ये इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉरपोरेट टैक्स क्यों माफ कर दिया गया या जो भी उनको मदद क्यों की गई है और किसानों को क्यों नहीं की जा रही है, तो बोलेंगे सिस्टम मुझे काम करने नहीं देता। 300 एमपी उनके पास हैं, पंडित नेहरू के बाद अगर कोई पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है सेकंड मर्तबा तो वो है, मगर उसके बावजूद भी वो सिस्टम की बात करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि अब इस देश को एक कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत है। ताकतवर तो देख लिए, अब कमजोर चाहिए ताकि वो कमजोरों की मदद कर सके। ताकतवर ताकतवर की मदद कर रहा है, वो बेचारा कमजोर तो कुछ देख रहा ही नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश यह है कि एक खिचड़ी सरकार बने, क्योंकि गुजरात की खिचड़ी हैदराबाद की खिचड़ी मुख्तलिफ होती है, यूपी की खिचड़ी मुख्तलिफ होती है। और जैसा कि आपको याद होगा कि एक शिमला की एक हमारी महिला ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी जमाने में उनको खिचड़ी बनाना सिखाया था, तो वो भी खिचड़ी अलग है। तो इस देश को इस तरह की खिचड़ी सरकार की जरूरत है। तो कमजोरी बन जाए प्राइम मिनिस्टर तो कमजोरों का फायदा होगा, क्योंकि ताकतवर बन रहे हैं तो ताकतवरों को ही फायदा हो रहा है, कमजोरों को नहीं हो रहा है। तो 24 के लिए यह कोशिश होनी चाहिए और देखिए क्या क्या होता है। 24 में यकीनन भाजपा के पास 300 एमपी हैं और गुजरात में आप जानते हैं कि एक भी सीट कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। 84 में एक मुसलमान एमपी बने थे, उसके बाद से अब तक कोई नहीं बना है। तो ये सब चीजें हैं, देखना है कि कैसा होगा 24 के लिए। तो अभी टाइम है, पहले गुजरात का चुनाव हो जाए असेंबली का, फिर तो उसके बाद आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता है। नहीं देखिए, जब 2004 से 2014 की सरकार थी यूपीए की, हम 2012 में यूपीए को छोड़ दिए थे क्योंकि वो लोग उस वक्त आंध्र प्रदेश में कम्युनल राइट्स ये वो सब गड़बड़ करा रहे थे। मगर एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जीडीपी का ग्रोथ रेट 8-9% था, अब हमारा 3-4% पे आ चुका है। अब बीजेपी से आप बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं कोविड आ गया था, फिर यूक्रेन, भाई कोविड से पहले भी हमारा ग्रोथ रेट गिरा हुआ था। तो इसीलिए देखिए, कोई कमजोरी बन जाए तो वो देश के कमजोरों को मजबूत करेगा। तो कमजोरों के लिए जरूरी है ये चीज 24 का चुनाव बहुत बड़ा। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।